कैसे दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल सबसे के जान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि गाड़ियों की वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहती है, मोस्टली गाड़ी मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती है ना, वही ज़्यादा वीडियो में प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि उसी में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। कपड़े वपड़े की आती है, एक आधी बार आती है, और उसमें लोग इंटरेस्ट दिखाते भी नहीं, क्योंकि वो तो हर कोई कर रहा है। तो यही चीज़ है, आप बालाजी मोटर्स पर मैं आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई है, आपको पहले ही बताया 1 मिलियन क्रॉस करी है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही रीजनेबल प्राइस होते हैं। ज़्यादातर इनके पास ऑलमोस्ट 99% जो गाड़ियाँ होती हैं वो फर्स्ट ओनर ही होती है, सेकंड ओनर गाड़ी में डील ही नहीं करते, और एक्सीडेंटल गाड़ी भी इनके पास नहीं होती। ये वो अपनी खुद की ज़ुबान से कह रहे हैं, और बाकी आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो, क्योंकि हमारा तो एक मोटिव होता है हम आपको बता सकें कि मार्केट में क्या चीज़ मिल रही है, किस रेट में मिल रही है। प्रॉफिट है वो आपका है, लॉस है वो आपका है, हमें तो इससे कुछ मतलब मिलता नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉफिट हो जाता तो आप हमें नहीं देते, लॉस हम आपको देते नहीं। तो वही चीज़ है, आप अपनी सूझबूझ से, इसलिए मैं कहता हूँ शॉप पे आओगे तो चीज़ देख पाओगे, और अपनी आपको देखी चीज़ पे ज़्यादा बिलीव होता है, अदरवाइज वीडियो पे तो हमें आइडिया देते हैं। और अगर आप चाहते हो कि वीडियो देख के आप दूसरे स्टेट में मंगाना चाहते हो तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के शॉप के पास। हेलो भैया, आपका सबसे जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है जी। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित भैया। अमित जी, तो सर आपकी जो शॉप का नाम है वो क्या? बालाजी मोटर्स। बालाजी मोटर्स का नाम जी। कहाँ पे पड़ती है थोड़ा बताइए? करोल बाग में पड़ती है, जोशी रोड पे। जोशी रोड के अंदर करोल बाग में पड़ेगी, बहुत ही मशहूर है यहाँ की मार्केट। और मेट्रो स्टेशन अगर कोई आना चाहे तो झंडेवाला मेट्रो स्टेशन सबसे नियर पड़ेगा मेरे। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी वैरायटी की कार्स मिल जाती हैं? ये मेरे पास सारे मल्टी ब्रांड होते हैं। मल्टी ब्रांड होते हैं, टोयोटा लो, चाहे मारुति की लो, चाहे हुंडई की लो, सारी गाड़ी मिल जाएगी। सारी गाड़ी मिल जाएगी। हाँ जी। किस रेंज से किस रेंज तक की वैरायटी है? मेरे पास 1.5 लाख रुपए से लेकर आपको 14-15 लाख रुपए तक की गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, एक कभी कभी एक लाख की भी मिल जाती है, वो डिपेंड करता है। डिपेंड करता है वो गाड़ी के ऊपर। ठीक है, 14-15 लाख तक की मिल जाएगी आपके पास। मिल जाएगी जी। और सर थोड़ा ये बताइए कि दिल्ली के ही लोग ले सकते हैं आपसे, या दिल्ली के बाहर के भी ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो लोन किसको प्रोवाइड होगा? भैया दिल्ली के भी ले सकते हैं, और दिल्ली से बाहर तक के भी ले सकते हैं मेरे से लोग। जो दिल्ली में लेगा उसके लिए तो लोकल ट्रांसफर होकर उसको गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, और जो बाहर वाला लेगा उसको एनओसी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि वो गाड़ी बाहर ले जाके वहाँ पे अपना नया नंबर लगवा ले गाड़ी के ऊपर, फिर वहाँ से लोन करवा ले। वहाँ से लोन करा ले। और दिल्ली के लिए तो लोन अवेलेबल है। दिल्ली के लिए तो आप ही कर दोगे, और जो बाहर के हैं वो एनओसी पे चढ़वा के अपने बैंक से करवा सकते हैं। अपने बैंक से करा सकते हैं। तो इन्होंने तरीका ही बता दिया, इस तरीके से आप लोन करवा सकते हो और यहाँ से गाड़ी ले जा सकते हो। आपका नया नंबर जो लगेगा उसके ऊपर आपका लोन हो जाएगा, जो दिल्ली से बाहर लेके जाते हैं। ठीक है सर, एक चीज और कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है पेपर वगैरह की? ये फोटो चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, और आपका आधार कार्ड। ठीक है, जो आपका लोकल ट्रांसफर के लिए चाहिए होता है, और बाहर के लिए भी यही चाहिए होता है। यही सब चीज होती है। और जो लोन होता है वो कितने परसेंटेज पे हो जाती है? ये लोन जो होता है, जो कम बैंक वाले जो गाड़ी की वैल्यू डालते हैं, हाँ। उससे 70-80% आपका लोन हो जाता है। मतलब 20-30% आपको देने पड़ेंगे? 20-30% देने पड़ेंगे, और आप बाकी लोन से, बाकी बैंक अपने आप लोन कर देता है। ठीक है सर, मुझे कुछ गाड़ी दिखा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं डिज़ायर दिखा रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कार होती है, और आप देख सकते हो यहाँ पे टायर की कंडीशन। अच्छा, बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका साइड, तो स्पेस थोड़ा कम होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको गाड़ी पूरा ओवरव्यू में दे रहा हूँ। और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आपको ये मिक्सअप जो गाड़ी में दिखाता हूँ वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, या आप चाहते हो कि अलग अलग, जैसे SUV का अलग हो गया, डिज़ायर का अलग हो गया, तो उस तरीके से देखना चाहते हो? तो ये पूरी गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, अब मैं अंदर से आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि मैं बताता हूँ, बालाजी मोटर्स पे आपको एकदम बढ़िया गाड़ी मिलती है, और कोई एक आधी कमी होती है वो भी आपको ठीक करा के दी जाती है। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, साफ़ सुथरी, मतलब आपका एक पैसा नहीं लगेगा, आप इजीली इसको 6-7 साल चला सकते हो बिना पैसा खर्च करें। ऊपर से तो आप देख सकते हो यहाँ पे 76,000 ये चली हुई है, जेन्युइन है जो भी है। आप चलते हैं शॉप के ओनर के पास। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर अमित है मेरा नाम। अमित जी, सर इस गाड़ी की डिटेल जी? ये 2011 VDI है, ये डीजल में है गाड़ी अपनी। इसमें ये बीच वाला मॉडल होता है, ये इसमें चारों फोर विंडो, स्टीरियो, सेंट्रल होगी, एवरीथिंग इज देयर गाड़ी के अंदर। ठीक है, डिमांड क्या है सर? सर इसकी डिमांड है आपकी 285। हाँ जी, नेगोशिएबल है वो भी? नेगोशिएबल है भैया।
तो जितनी भी गाड़ी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सिंगल ओनर है ये, सिंगल ओनर आपको मिलेगी, जितनी भी गाड़ी दिखा रहा हूँ नॉन एक्सीडेंटल मिलेगी, और जो भी प्राइस है वो नेगोशिएट है, और क्योंकि इनका जो मार्जिन होता है वो उसी पे नेगोशिएट करते हैं, अदरवाइज़ तो आप जानते ही हो क्योंकि हर कोई करवाता ही करवाता है, कोई भी 285 तो दे के जाएगा नहीं। अब चलते अगली गाड़ी की तरफ। दोस्तों अगली गाड़ी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, i20 गाड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो गाड़ी की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरी गाड़ी की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है, बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी। बाकी दोस्तों इस साइड से स्पेस नहीं है तो आपको मैंने गाड़ी वैसे दिखाई दी है, पूरी अनटच गाड़ी है। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की कंडीशन। तो ये देखिए i20 अंदर से आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है, और सीट कवर भी आप देख सकते हो, पूरे न्यू सीट कवर आपको देखने को मिल रहे हैं। बैक साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चाबी लगा दी गई है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी चली गई है, 54,335। तो ये गाड़ी रनिंग है और बाकी आप देख सकते हो पूरा मतलब ग्रिप वगैरह सब कुछ लगी हुई है, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सर बताएंगे इसकी डिटेल। हाँ जी सर, ये 2013 स्पोर्ट्स मॉडल है, डीजल की है, ठीक है। इसके अंदर अलॉय, एयरबैग, स्टीयरिंग कंट्रोल सब कुछ आता है, क्लाइमेट एसी आता है इसके अंदर आपका, ठीक है। और चारों टायर नए हैं और इसकी 375 डिमांड है भैया, 375 डिमांड। हाँ जी ठीक है सर। तो अगली फॉर्चुनर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा गाड़ी का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। तो ये है पूरा गाड़ी का ओवरव्यू, और यहाँ से मैं आपको टायर की कंडीशन भी दिखा देता हूँ। अब देखते हैं बैक साइड से। दोस्तों अंदर से मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, तो गाड़ी की कंडीशन आप पूरी देखना, फिर क्या डिमांड है वो सब चीज़ आपको मैं बताऊँगा। ये इस फॉर्च्यूनर की क्या डिमांड है, कौन सा मॉडल है? 2012 है ये, 4x2 है, ठीक है। और इसकी 13 लाख रुपए डिमांड है भैया, 13 लाख रुपए। सिंगल ओनर, चारों टायर नए हैं, फुल इंश्योर्ड है। कितनी चली होगी सही? ये 72 चली है भैया, 72 चली है। तो आपको सारी डिटेल बता दी गई है, बाकी अगर कोई मन में डाउट रहता है तो नाम नंबर एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर उसे चेक करें, और वहाँ से आप कॉल भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में अगर ना मिले तो आपको लिंक मिल जाएगा एड्रेस का, वहाँ से वेबसाइट पर जाके भी आप चेक कर सकते हो। एक और मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ, वो भी डिज़ायर है, जैसे कि शुरू में ही मैंने डिज़ायर दिखाई थी, तो डिज़ायर की यहाँ पे भरमार है, और सर कह रहे हैं कि यहाँ पे डिज़ायर मेरे पास आते ही बिक जाती है, तो ज़्यादातर डिज़ायर में बहुत डील होती है और इनकी डिज़ायर अच्छी खासी बिकती है, डिमांड ज़्यादा है, जैसे कि मैंने कहा था मिड रेंज में आ जाती है। और दिल्ली वाले नहीं सर कह रहे, साउथ की तरफ से, केरला साउथ साइड की जो होते हैं वो आके ले जाते गाड़ी। तो गाड़ी मैंने पूरी यहाँ से आपको दिखा दिया, अब अंदर से मैं गाड़ी दिखाना चाहूँगा आपको। तो दोस्तों ये देख सकते हो, अंदर से मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। तो ये है गाड़ी, और यहाँ पे स्टेयरिंग देखिए, पूरी गाड़ी का ओवरव्यू देख लीजिए आप। तो इसकी क्या डिमांड है वही मैं पूछूँगा, और कितनी चली हुई है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बेसिक है, और आपने ही मुझे डिमांड करी है कि कितनी रनिंग है वो चीज़ें भी बताया करो, अदरवाइज़ पहले मैं ये चीज़ें नहीं पूछता था, और बहुत ही ज़रूरी है, ये आपसे ही सीखने को मुझे मिलता है। तो आप देख सकते हो 54,000 किलोमीटर ये चली हुई है, जेन्युइन है जो भी है। जी सर इसकी डिटेल देना। ये 2012 है, ये 2012 डीजल की गाड़ी है, LDI है, और इसके 290 290,000। सिंगल ओनर है, फुल इंश्योर्ड है, ठीक है। तो आपने जैसे देखा सिंगल ओनर है, फुल इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड तो इनके पास आपको सारी मिलेगी, जैसे कि शुरू में ही मैंने कहा था। टायर भी नए हैं, जैसे कि मैं टायर पे भी फोकस करता हूँ हर बारी। तो सर ये तो है ही कि आपके से कोई गाड़ी लेके जा रहा है तो अलग से कोई खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है।
यही चीज़ यहाँ की खासियत है। और बाकी जो प्राइस है वो भी आपको नेगोशिएट मिलते हैं। सर क्या डिमांड बताई थी आपने? 290 इसकी डिमांड है। ठीक है सर, तो दोस्तों अगली गाड़ी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पुंटो, जो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी। और सर कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे पंजाब, केरला, मतलब ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर हो जाती है गाड़ियाँ। तो आपको मैं पूरी गाड़ी का और भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये है इसकी बैक साइड। अंदर से भी मैं आपको गाड़ी दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए गाड़ी अंदर से आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि जो गाड़ी की नॉलेज रखते हैं ना, वो अंदर से कंडीशन देख के भी बता देते हैं कि गाड़ी में कुछ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। और बाकी तो हम जैसे नॉर्मल तो देखने में सही लगती है, इस वजह से मैं पूरी गाड़ी दिखाता हूँ आपको, कि आपको एक आइडिया हो सके। अदरवाइज़ ये कह रहे हैं कोई एक्सीडेंटल नहीं होती, कुछ नहीं होता, बाकी थोड़ा बहुत जो होता है वो बता देते हैं, क्योंकि इनको भी आपको आगे और भी गाड़ियाँ सेल करनी है, आपसे अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें जो सीट कवर है, कंपनी वाले सीट कवर आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे कलरफुल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कॉम्बिनेशन। बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 2010 मॉडल है। 2010 मॉडल डीजल की है, इमोशन मॉडल कहलाता है ये। ठीक है, और इसकी डिमांड है 155। हाँ जी, इसमें डीजल इंजन जो होता है सॉफ्ट मूविंग इंजन होता है। ठीक है, तो चारों पावर विंडो आता है, पावर स्टीयरिंग, एवरीथिंग। कितनी चली होगी सर ये? 79। तो आप देख सकते हो 155,000 ही इसकी डिमांड है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रही है, 2010 की है। जैसे कि सर कह रहे हैं कि टायर चारों अभी नए डलवाए हैं इसके अंदर, यूज़ ही नहीं हुए, इंश्योरेंस है, सब कुछ है, सिंगल ओनर है। तो दोस्तों ये थी लास्ट गाड़ी। ऐसी आपको अगर गाड़ियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती है। और मैं चाहता हूँ कि इनकी पूरी सीरीज़ बनाऊँ अलग अलग रेंज की, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। अभी तो मैंने मिक्सअप बनाई है, ताकि आपका रिस्पॉन्स मैं देखना चाहता हूँ कि आप चाहते हो रेंज अलग अलग सीरीज़ बने, तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।